वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो जो बहुत ही नॉलेजफुल है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई भी दोस्त आपको कॉल कर रहा है और आपको मतलब आप व्यस्त है, कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं तो दोस्त हो जाएगा गुस्सा। तो दोस्तों आपको अगर दोस्त आपके पास कॉल करेगा तो आप आपके दोस्त को बताएगा कि ये नंबर अभी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ट्रिक है, चलिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए चलिए कमाल की वीडियो शुरू। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो साइड में बेल आइकन है इसको जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी सारी वीडियो को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई एप्लीकेशन नहीं, एक ट्रिक है जो आपके मोबाइल के सेटिंग में ही है। तो आज मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कोई अगर आपका दोस्त फ़ोन कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आप व्यस्त हैं और वो बार बार परेशान कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे जो सेटिंग कर देंगे तो आपका मतलब कॉल करेंगे, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊँगा लास्ट में कॉल करके, तो बोलेगा कि नंबर अभी मौजूद नहीं है। जैसे दोस्तों आप फ्लाइट मोड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वहाँ पर बताएगा नंबर बंद है। और दूसरी बात है दोस्तों, नेट वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहेंगे उस समय फ्लाइट मोड मारकर, तो नेट यूज कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से अगर ये सेटिंग करेंगे तो नेट भी आपका चलता रहेगा और आपके मोबाइल पर कॉल भी नहीं आएगी जितने घंटे, 1-2-3 घंटे 4 घंटे मतलब 1-2 दिन जब तक चाहिए आप तब तक के लिए कर सकते हैं। तो भाई मैं ये सेटिंग आपको बताता हूँ। सिंपली आपको करना क्या होगा, जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। और मैं एक बात मैं आपको बताया दोस्तों, ये जो जियो का है, मतलब जियो की सिम जिनके पास होगी उन्हीं के मोबाइल में अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों, उन जियो पर बस वर्क करता है। अदर सिम में मैंने चेक नहीं किया दोस्तों, गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जियो में 100% वर्क करेगा। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिस्टम ऐप दिया हुआ है तो सिस्टम ऐप में चलते हैं। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सिस्टम ऐप में चलिए। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपको कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग में जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग में जाना होगा। इस सेटिंग में जाने के बाद वॉइस और वीडियो दोनों कॉल की मिल जाती है, तो आपको वॉइस पे क्लिक करना होगा। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क और सिम कार्ड एरर इस तरह से कुछ करता है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली क्योंकि मेरा ऑफ है तो ऑन करना होगा। जैसे ऑलवेज फॉरवर्ड दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा, या वेन बिजी वेन मतलब है अनआंसर्ड वेन अनरीचेबल, ये सब करना है तो ये सब छोड़ दीजिएगा। आपको क्या करना, फॉरवर्ड अलग फॉरवर्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वो नंबर डाल दीजिए दोस्तों, जैसे कोई ऐसा नंबर हो जो बंद हो या दोस्तों स्विच ऑफ रहता है, हमेशा वो नंबर डाल दीजिए। जैसे पुराना नंबर कुछ होता है बंद हो गया रहता है, जैसे मेरा एक नंबर है मैं इनपुट करता हूँ, नंबर मेरा बंद हो चुका है तो इसको मैं यहाँ से इनपुट करता हूँ। उसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक कर देता हूँ, तो अपडेटिंग हो रहा है, यहाँ से अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स टू इस नंबर पे दे दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जो ही आपके दोस्त कॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा। यहाँ पे मैं कॉल करके आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया, दूसरे वाले फ़ोन से कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए तो कुछ इस तरह से बताएगा। मैं आपको अभी लाइव ग्रुप के साथ दिखाऊँगा। यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं दोस्तों, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बोलेगा। तो ये रहा दोस्तों आज का ट्रिक। तो वीडियो कैसी लगी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।